कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दुर्ग भिलाई के 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 खिलाड़ियों ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल में जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ से कुल 17 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें 13 खिलाड़ी भिलाई के थे। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में 3 कोच के साथ पूरी टीम ने हिस्सा लिया और बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कोच ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। नमस्कार, मैं बॉक्सिंग कोच सुरेश बोल रहा हूँ। हम लोग JSW कर्नाटक गए थे खेलने के लिए, सब जूनियर नेशनल, जो 3 साल के बाद कोरोना काल के बाद हो रहा है। जिस नेशनल में हमारे 13 बच्चे टोटल पार्टिसिपेट किए बॉक्सिंग से, 10 बॉयज 3 गर्ल्स। 10 बॉयज में 3 बार मेडल आया, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा, ये काफ़ी सालों का छत्तीसगढ़ का ये, जो हमारे 2 लड़के फाइनल पहुँच के अच्छा मेडल, अच्छा बॉक्सिंग करते हुए अच्छे बॉक्सर को मारे हैं फाइनल तक, और अच्छा बॉक्सिंग करते हुए मेडल प्राप्त किए हैं। यहाँ भिलाई के 2 मॉडल बॉक्सिंग क्लब के हैं, 1 रॉयल बॉक्सिंग क्लब के हैं, और ये टोटल अलग अलग, जैसे जवाहर नगर नगर निगम के बच्चे भी कुछ गए थे, टोटल भिलाई के और बिलासपुर के कुछ बच्चे के छत्तीसगढ़ गए थे, जो पूरे बच्चे एक साथ छत्तीसगढ़ में इकट्ठे होकर जो गए नेशनल पार्टिसिपेट किए हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी नेशनल का जो आने वाला इंटरनेशनल लेवल है, उसकी तैयारी बच्चे जुड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ से 16 बच्चे गए थे, 14 बच्चे गए थे, जिसमें से 13 हमारे थे और 13 SBSP से थे, ब्लास्टल प्लांट से। कर्नाटका बिल्लारी में JSW IIS है, वहाँ पर ये चैंपियनशिप हुआ था। काफ़ी अच्छी चैंपियनशिप रही हमारे बॉक्सर ने, इसमें काफ़ी अच्छा गेम रहा उनका, जिसमें से 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज आया है। हम लोग गए थे, सब जो है नेशनल खेलने गए थे, एक बेल्लारी कर्नाटका। हम लोग वहाँ JSW में रुके थे, वहाँ हम लोग ऐसे मेडल प्राप्त किए, 3 जन मेडल प्राप्त किए। आगे हम लोग और अच्छे करेंगे और इंटरनेशनल और ओलंपिक तक खेलने जाते हैं हम लोग।